हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट अरमान और आप देख रहे हैं रेसलिंग पीडिया। तो रेसलिंग पीडिया फैमिली सेथ फ्रिकिंग रॉलिंस ने रोमन रेंस के बारे में ये बोला है कि रोमन उनको अवॉइड कर रहे हैं, उनसे बचते आ रहे हैं और रोमन उनको टाइटल मैच नहीं देना चाहते। तो इस बारे में अभी हम बात करेंगे। और बॉबी लैशली को साल 2008 में WWE ने क्यों फायर कर दिया था, इसकी भी न्यूज सामने आ चुकी है। और जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया था, आज NXT में वीर महान उनके पुराने टीममेट सांगा के साथ रियूनाइट हो गए हैं। तो इन सब की पूरी जानकारी के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा। तो वीर महान ने इस साल मेन रोस्टर में आने के बाद बहुत सारे अननोन सुपरस्टार्स को स्क्वॉश किया और इसके अलावा रे और डोमिनिक मिस्टीरियो को भी बहुत बुरी तरह मारा था वीर महान ने। और जब तक मिस्टर मैकमैन WWE को चला रहे थे तो उनका कुछ दूसरा ही प्लान था वीर महान को लेकर। लेकिन जब से ट्रिपल एच ने WWE को संभाला है तो उसके बाद से WWE में बहुत कुछ बदल गया है। और जैसी न्यूज सामने आई है, ट्रिपल एच ने वीर महान को इसलिए NXT में भेजा है ताकि वीर महान की रेस्टिंग स्किल इम्प्रूव हो सके। और आज के NXT में वीर महान उनके पुराने टीममेट सांगा सिंह के साथ रियूनाइट हो गए और इन दोनों की टीम का नाम है द इंडस शेयर। वैसे ये न्यूज भी सामने आ चुकी है कि ट्रिपल एच इन दोनों की टीम को जल्द ही मेन रोस्टर में लाने वाले हैं एज अ टैग टीम। तो अगर इन दोनों की टीम मेन रोस्टर में आती है फिर इनका उसोस के साथ भी मैच हो सकता है यूनिफाइड टैग टीम चैंपियनशिप के लिए, और वो मैच फैंस को भी देखने में मजा आएगा। वैसे अगर ये मैच होता है तो आप लोग किसकी टीम को सपोर्ट करोगे, द उसोस की टीम को या फिर द इंडस्ट्रियर की टीम को? कमेंट करें, सबसे शेयर करें। रेसलमेनिया 23 में बॉबी लैशली का मैच हुआ था उमागा के साथ और उस मैच में क्योंकि लैशली जीत गए थे इसलिए उस मैच में स्टिपुलेशन थी कि अगर डोनाल्ड ट्रंप के रेसलर लैशली जीत गए तो मिस्टर मैकमैन को टकला होना पड़ेगा। और लैशली डोनाल्ड ट्रंप और स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन ने मिलकर मिस्टर मैकमैन को टकला भी कर दिया था। लेकिन ये वजह नहीं है कि WWE ने इसके कुछ महीने के बाद बॉबी लैशली को फायर कर दिया था। उसकी असली वजह यह है कि बॉबी लैशली कंप्लेन कर रहे थे क्योंकि उन्हें $5,00,000 मिले थे रेसलमेनिया 23 में फाइट करने के लिए। और उस टाइम के बारे में ये न्यूज है कि उस टाइम बॉबी लैशली को अच्छे से रेसल करना बिल्कुल भी नहीं आता था। और इसलिए जब बॉबी लैशली ने इस बारे में कंप्लेन किया तो मिस्टर मैकमैन ने उन्हें फायर कर दिया था। तो जैसा आपको याद होगा कि जब रॉ रंबल 2022 में रोमन रेंस वर्सेस सेथ रॉलिंग्स हुआ तो उस मैच में सेथ ने इतना ज्यादा इरिटेट कर दिया था रोमन रेंस को कि रोमन रेंस पहली बार उनकी यूनिवर्सल टाइटल के मैच में डिस्क्वालिफिकेशन से हार गए। क्योंकि इससे पहले और इसके बाद रोमन का जितना भी टाइटल मैच हुआ है रोमन किसी भी मैच में हारे भी नहीं और ना ही डिस्क्वालिफाई हुए थे। लेकिन सेथ रॉलिंग्स डिस्क्वालिफिकेशन से इस मैच में जीत गए। और अभी कल सेथ ने इंटरव्यू देते हुए ये बोला है कि रोमन उनसे बच रहे हैं और उनको अवॉइड कर रहे हैं ताकि रोमन को सेथ को अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप का मैच नहीं देना पड़े। क्योंकि सेथ ने ये बोला है कि रोमन भी जानते हैं कि वो सेथ को टाइटल मैच में नहीं हरा सकते। वैसे जब सेथ रॉलिंग्स और रोमन रेंस का दोबारा मैच होगा तो आप लोग किसे सपोर्ट करोगे और किसे जीतते हुए देखना चाहोगे, द ट्राइबल चीफ रोमन रेंस को या फिर सेथ फ्रिकिंग रॉलिंस को? कमेंट करके बताएं और मैं आपसे जल्दी मिलता हूं। लेकिन तब तक के लिए गुड बाय।